एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो हम लोग अभी देख रहे हो क्या बेहतरीन तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय खत्म कर चुके हैं। छठवां अध्याय बाद में कराऊंगा बोला, सातवां अध्याय का 2 वीडियो आ चुका है जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्या खत्म करवा चुका हूं। अनिश्चित समाकलन की बात चल रही है, बेसिक आप लोगों को करा दिया गया है और समाकलन की विधियां आज से मैं चालू करा रहा हूँ जिसमें से प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप लोगों को बता रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को इस वीडियो में करवा दूंगा, एक वीडियो में यह हो जाएगा। उसके बाद आंशिक भिन्न वाला भी एक वीडियो में खत्म हो जाएगा और खंडशा समाकलन भी एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो 3 वीडियो 3 टॉपिक जबरदस्त तरीके हो जाएगा। उसके बाद निश्चित समाकलन, ठीक है। तो ये दो जो पेयर है ना, ये दो पेयर ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक और समाकलन की विधियां, यही तो है समाकलन की विधियां, ठीक है। तो आज की क्लास में चालू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो तो प्यार से हेडिंग डालो, प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ओके, चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते, मैं बताता हूं। अब तक जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो देखना एक ही फंक्शन था, अब दो दो फंक्शन आए, एक ही फंक्शन था, अब दो दो फंक्शन आए, ध्यान से देखना। ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अभी u इंटू वी वाला फॉर्मूला का नहीं सोचेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि के क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। जब कभी भी दो फंक्शन दिखे तो हम लोग को इस विधि का प्रयोग करना है। अब कैसे पहचानेंगे कि इस विधि का प्रयोग कब करना है, कब, मैं बताता हूँ। जब आपको कोई एक फंक्शन दिखे प्यारा सा और उसका डिफ्रेंसिएशन वहां अवेलेबल हो, क्या बोला, कोई एक फंक्शन दिखे और उसका डिफ्रेंसिएशन मतलब कि उसका अवकलन वहां पे अवेलेबल हो, तो वहां पे ये विधि लगा देना। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, ध्यान से देख पा रहे होगे, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो 2x मिलेगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। मतलब एक मेरा फंक्शन ये है एक फलन, और यहां पे मैं कुछ चीज देखा उसका डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल है, तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ना करूं तो इसको कैसे करके सॉल्व करूंगा। यू इंटू वी तो अभी भूल जाओ, अभी तो मैं यू इंटू वी तक पहुंचा नहीं हूं, फॉर्मूला है यू इंटू वी का, वहां तक पहुंचा नहीं हूं। यहां पर भी देखो, अब यहां पर तो यू अपॉन वी का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो यहां पर कैसे करेंगे ये सब बता रहा हूं। तो आप लोग को इस विधि में बस इतना याद रखना है कि उस फंक्शन में कोई एक फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल हो, तो ध्यान से देखो। तो कैसे करना है, सॉल्व लिखना है इसको। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, उसको टी मान लो। तो यहां पर देखो, माना इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको टी मानूंगा। माना एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, आप कुछ भी मान सकते हो, हम टी मान रहे हैं। अब जो चीज माने हूं, क्या माने हूं, टी, उसी के सापेक्ष आपको क्या करना है, उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां पे लिखेंगे आप टी के, अभी अवकलन बोल रहा हूं, समाकलन का टॉपिक है, अभी जब ये मानोगे तो अवकलन करना है, टी के सापेक्ष, अवकलन, ध्यान से रखना, अभी समाकलन नहीं, अवकलन, अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, याद रखना किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष, कर रहा हूं, याद रखना टी के सापेक्ष है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट वाली बात कर रहा हूं, टी के सापेक्ष कर रहा हूं ना मैं, टी के सापेक्ष, ये तो एक्स है, तो मैं क्या किया, इसको टी मान लिया, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, फॉर्मूला लगाओ भाई x की पावर n वाला, तो टी स्क्वायर का x के सापेक्ष करते थे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता था। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां पे बता देता हूं, dy dx x की पावर n, डिफ्रेंशिएशन है तो n सामने लग जाता है, x की पावर n माइनस वन। अगर मैं x की सापेक्ष करता हूं dy dx किसका, एक्स स्क्वायर का, तो देखो n की वैल्यू 2 है, इस 2 को सामने लिख दिया, x ये n है, n में एक माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस वन तो क्या आ जाएगा, 2x। सिमिलरली अगर मैं t के सापेक्ष कर रहा हूँ dy dt, t स्क्वायर,
तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, यही वाला, बस x की जगह क्या है, t है, x की जगह t है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2t 2-1 = 2t। ध्यान से देखना, तो हम लोग अभी t के सापेक्ष कर रहे हैं, ये अभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। तो t के सापेक्ष में कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या मान लिया, t मान लिया, इसको मैं t मान लिया, अभी अवकलन है ना, t मान लिया, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, लेकिन 2t नहीं लिखूंगा, जिसको t माना उसको लिखूंगा, ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक बात। अब उधारी चुकाऊंगा तो गुणा करते हैं, अवकलन में गुणा करते हैं और भाग किस में करते हैं, बटे करके समाकलन में। अब उधारी चुकाऊंगा तो जिसको मैं t माना हूं उसको फिर से क्या करूंगा, t के सापेक्ष dx, ये देखो, ये t के सापेक्ष क्या करूंगा, मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, किसको मैं t माना हूं, x को, तो ये हो जाएगा x प्लस प्लस, ये क्या है, अचर पद है, अचर पद का अवकलन जीरो होता है, ये जीरो, और इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा, dt बाई dt, क्योंकि t के सापेक्ष करना है, तो ये क्या आया, 2x dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस जीरो हो जाएगा, तो यही मिलेगा। dt बाई t क्या होता है, dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, आप लोग को मालूम है, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसी प्रकार t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1। ध्यान से बस देखते रहना, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो क्या हो गया, dt को उधर, d बाई dt को उधर भेज दो, तो क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू, इस dt को भाग में उधर भेज दिया, तो 1 इंटू dt हो जाएगा, और ये dt आ गया। ध्यान से देखते रहना, ये पूरा बताया, अभी शॉर्ट में भी करेंगे, ये पूरा बताया मैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, अब यहाँ पे आ जाओ, मेरे को ना पूरा फंक्शन ना x में था, उसको मेरा चैलेंज था मेरे लिए कि उसको मैं t में कन्वर्ट करूँ, अब हो गया। ध्यान से देखो, ये क्या है, 2x dx, सब गुणा में है, तो 2x dx, ये देखो 2x dx का वैल्यू क्या आ गया, dt आ गया, ये dt किसका वैल्यू आ गया, ये 2x और dx, इसकी वैल्यू आ गई dt। अब क्या बचा, साइन x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिया हूँ, t लिया हूँ, तो ये साइन का साइन लिखा मैं, साइन का मैं साइन लिखा, और x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया हूँ, t, तो यहाँ पे इसकी जगह t पुट कर दो। अब साइन t का इंटीग्रेशन तो है ना आपके पास, साइन t का इंटीग्रेशन है, क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, आंसर हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन x में था, हम आंसर t में लाए, तो हमको आंसर भी x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ठीक है, t की वैल्यू बस डाल दो। ये देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x के फॉर्म में ना, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ cos t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। तो ये होता है ऐसा। अब यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे, तो फंसो मत, अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अभी अगर मैं यहीं पे बता दूं, अब डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, मेरा मकसद जो था, मेरा जो एम जो था, वो ना ये लेके आना था, ये लेके आना था, क्या लेके आना था, ये लेके आना था, ये लेके आना था, मेरा एम, ओवरऑल जो मेरा एम था वो ये लेके आना था। अब इसको मैं डायरेक्ट कैसे ला सकता था, वो अगले क्वेश्चन में बताऊँगा, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे कि ये है, ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर ना, तो ये लिख देंगे 2x dx इज इक्वल टू, ये है ना, dt, डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, अचर का तो जीरो हो जाता है, 2x, उसके बाद dx लगा देंगे, और बराबर dt, अब सब में ऐसे ही करेंगे। तो ये वाला हो गया, अब वाला करूँगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए ना टाटा बाय कर देता हूँ, क्योंकि ये इसके इलाके में आ गया था, और किसी को किसी के इलाके में नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, सही बात है। चलो अब ध्यान से देखो, इसकी बात करो, अब ये आ गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग ने इसको कैसे करना, नॉर्मल मेथड से करना, अभी एक फंक्शन वाला कराया था, नॉर्मल मेथड से तो होगा नहीं, आप लोग को ध्यान देना, यहाँ पे दो फंक्शन है, और जब दो फंक्शन आएगा ना, तो ध्यान देना, प्रतिस्थापन विधि से तो नहीं कर सकता मैं, तो उसमें ध्यान देना, जब प्रतिस्थापन विधि का आप लोग सोचोगे तो ध्यान देना, कोई एक ऐसा फंक्शन है क्या जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। देखो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/
वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखना, माना माना अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को, टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, टी मान लूँ, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट इसको करो, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डायरेक्ट लगा दो डी एक्स, और यहाँ पे क्या है डायरेक्ट लगा दो डी टी, डायरेक्ट, अगर ये कैसा आया बोलोगे तो ऐसा आया था, पूरा एक एक चीज करा था, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन करो डी एक्स लगा दो, सीधा डी टी लगा दो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो मिल गया ना, यहाँ पे देखो कैसे मिला, ये टेन इनवर्स एक्स को क्या माना हूँ, टेन इनवर्स एक्स को माना हूँ टी, टेन इनवर्स एक्स को माना हूँ मैं टी, अब डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, डी टी आई, टी टी आई, तो टी डी टी का फॉर्मूला तो मेरे को मालूम है, ये वाला फॉर्मूला मालूम है आपको, जब मैं एक्स के टर्म में करता था तो एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो यहाँ पे बस टी है, यहाँ पे बस टी है, फॉर्मूला वही होगा, बस टी की पावर एन डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू टी, एन क्या है वन, कुछ नहीं है तो वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा अपॉन टू प्लस सी। अब आपको क्या करना है, बस टी की जगह इस टी की वैल्यू जो एक्स के फॉर्म में वो रख देना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पर लिखूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, टी को मैं क्या मानूँ टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ओके, बटे दो, बटे दो प्लस सी, ये मेरा हो गया आंसर, हो गया आंसर, हो गया, कुछ सोचो मत, इधर देखो आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, माना आप लोग को अब दिमाग लगाना है, किसको मानूँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स होता है, देखो वन बाई एक्स है, एक बटा एक्स यहाँ पे है, तो मैं अगर लॉग बेस ई एक्स को टी माना, तो टी के सापेक्ष हमेशा लिखना, टी के सापेक्ष अवकलन करें अपन, ये आपका टास्क है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, अवकलन करते हैं ना, वन बाई एक्स डी एक्स डाल दो और यहाँ पे डी टी, ये देखो आ गया, आ गया, देखो इसमें ध्यान से देखना, लॉग एक्स, लॉग एक्स को क्या लिया टी, डी एक्स बटा एक्स, ये देखो डी एक्स बटा एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये क्या है एक गुना डी एक्स बटा एक्स है, तो एक का गुना डी एक्स से करूंगा तो डी एक्स बटा एक्स आएगा, ये भी वैसी है डी एक्स बटा एक्स, इसका काम तो हो गया, इसको मैं टी ले लिया, टी ले लिया, अब बचा क्या, इसको हटा दिया मैं, इसको हटा दिया तो क्या बचा, डी एक्स बटा एक्स बचा, और ये देखो डी एक्स बटा एक्स किसकी वैल्यू है डी टी, अब ये देखो टी का फॉर्मूला क्या होगा, टी का फॉर्मूला अभी तो करे थे टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, अब इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर दो यार एक्स के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्लियर है। अब इसको देखो, ज़्यादा ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं, चलो वीडियो को पॉज करो और बताओ टी किसको मानोगे, वीडियो को पॉज करो बताओ टी किसको मानोगे, दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या, शर्त क्या है, दो फंक्शन दिख रहे हैं सर, हाँ सर दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये तो कॉन्स्टेंट है, फंक्शन तो सिर्फ एक्स है, ठीक है फिर भी लिया, हाँ सर दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो किसको टी मानूँ जिसका डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल हो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन टू एक्स होगा और वो अवेलेबल है, तो डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाया हूँ, तो अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे मैं लिखा माना माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन टी के सापेक्ष क्या होगा, आपको लिखना है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, डी एक्स लिखो फिर, डी एक्स लिखो इज इक्वल टू ये डी टी, बस बस ये डी टी की वैल्यू बस मिल जाए मेरे को, बस डी टी की वैल्यू चाहिए बस जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो देखो ध्यान से देखो ये 2x dx की वैल्यू क्या आई, 2x dx की वैल्यू क्या आई, 2x dx की वैल्यू dt आई, तो इसका काम हो गया ये 2x dx, अब क्या बचा e की पावर x स्क्वायर है, तो e की पावर x स्क्वायर को मैं t माना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, अगर x रहता है तो e की पावर x dx क्या होता है, e की पावर x प्लस सी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा यार e की पावर t है डी टी, तो वह सेम होगा बस e की पावर t प्लस सी, सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी क्या है x की जगह t कर दिया, सेम फॉर्मूला होता है सेम,
तो यहाँ पे e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल दो ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया है, तो आंसर हम लोग t के फॉर्म में नहीं x के फॉर्म में ही देंगे। तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर। देखो कितना इजी हो जा रहा है, कितना इजी हो रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बस मांगता है और कुछ नहीं मांगता। ये देखो इसको देखो, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, अब आप लोग देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बताऊं क्या किसको मैं टी मानूंगा, माना माना बताऊं किसको टी मानूंगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा। कॉन्स्टेंट को ले लेना, अकेला एक्स स्क्वायर को मत लेना, अकेला एक्स स्क्वायर को मत लेना। जैसे देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो कई लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को बस ले लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करना, जो कांस्टेंट रहते हैं ना उसको भी ले लो, एक टर्म कम हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो जब कभी भी ये देखो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर को बस टी मानना था, लेकिन मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मानूंगा और 1 का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक टर्म मेरा कम हो जाता है। तो हमेशा कांस्टेंट को ले लेना, कांस्टेंट को ले लेना, तो 1 का जीरो हो जाएगा और 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, डायरेक्ट dx लिखना और डायरेक्ट dt लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। बस मेरे को dt की वैल्यू चाहिए, यही लाइफ है, बस dt की वैल्यू ही, अगर जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद करना है तो dt की वैल्यू को करो। तो देखो क्या हुआ, 2x dx की वैल्यू क्या है, ये 2x dx, 2x dx गुणा में है ना, 2x dx की वैल्यू क्या है, dt आई, ये dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है, समझ गए। अब ध्यान से देखो क्या होता है फॉर्मूला मेरा, 1/x dx क्या होता है, log बेस ex, ये मॉड में होता है, मॉड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा पर मॉड लिखना चाहिए, तो ठीक है। अगर मॉड नहीं भी लिख रहे हो ना तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, पर मॉड डाल देना, कई कई जगह मॉड लिखे रहते हैं, कई कई जगह मॉड नहीं लिखे रहता है, ये बाय डिफॉल्ट केस है कि log की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, बस ये बाय डिफॉल्ट केस है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह t है यार, x की जगह t है, ये वही हो जाएगा log बेस et, ठीक है, मॉड डालो मत डालो एक ही मतलब है, चलो ठीक है, पर मॉड डाल दे करना, ये ऐसा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट मॉड में ले सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अभी नहीं है मॉड, तो मॉड में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ मॉड है यहाँ मॉड नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो 1/t का क्या होगा, लॉग टी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t का होगा लॉग बेस ई मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी की जगह, टी की जगह क्या करूँ सर, सर टी की जगह ना, सर सर टी की जगह ना, सर जो आप x के फॉर्म में ना सर वो लिखो ना, t कहाँ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सर ये ना सर आंसर हो गया सर आपका, ये लो सर ये आंसर हो गया, खत्म खत्म, डायरेक्ट इसमें आओ, डायरेक्ट इसमें आओ। अब देखो क्वेश्चन जो आएगा ना वो इस तरीके से आएगा, और मैं इसको ना थ्री स्टार्स दिया, क्यों बताऊँ, अब देखो इसमें ना, अब मैं किसको क्या मानूं, कुछ सर चकरा जा रहा है, बेसिक से भी सॉल्व नहीं होगा, कुछ किसी का फॉर्मूला लिखा है 1/x log x का कोई फॉर्मूला लिखा है, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला लिखा है वो नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिक से जाएंगे, बेसिक मतलब नॉर्मल जिसका फॉर्मूला लिखा है, उससे नहीं बनेगा तो मैं आऊँगा प्रतिस्थापन में, प्रतिस्थापन में देखना, अरे वाह ये तो मस्त है, एक फंक्शन दिख रहा है ये भी फंक्शन दिख रहा है यार गजब है, पर प्रतिस्थापन से भी बनते नहीं दिख रहा है, किसको मैं टी मानूँ यार, मैं किसको टी मानूँ, किसको टी मानूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन तो दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पर दिमाग लगाना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या दोनों से एक्स कॉमन ले सकता हूँ, क्या एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, देखो एक्स यहाँ पे x था, उसको x को ऐसे पकड़ा और निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस यहाँ पे x था उसको धरा और निकाल लिया, तो यहाँ पे x को निकाल लिया तो क्या बचेगा, log बेस ई एक्स, ये dx। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस log x को अगर मैं ले लिया t, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x जो कि अवेलेबल है, ध्यान से देखना, मैं माना माना 1 प्लस log बेस ई एक्स को अगर मैं t माना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0, 1/ log ex का, log बेस ex का होता है 1/x, हाँ ठीक है मॉड में लिखो मत लिखो चलेगा, dt आ गया, बस dt मेरा लाइफ है, बोला मैं dt ही लाइफ है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या है dx, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार अच्छे से लिखता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस इतना हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, हो गया आंसर आ गया, मेरा तो आ गया, आप लोगों का पता नहीं मेरे को, तो ध्यान से देखो इसको देखते रहना, तो 1/x यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1, सॉरी ये क्या है,
dx, 1 into dx, dx होता है, 1 into dx, dx होता है, तो dx by x क्या हो गया, dt, और ये क्या हो गया, 1 plus log base ex को मैं क्या माना हूँ, ये 1 का 1 upon, 1 plus log base ex को क्या माना हूँ, t माना हूँ, तो ये, ध्यान से देखो, ये है 1 plus log बेस ई एक्स, इसको क्या माना हूं, टी, तो यहां पे मैं टी लिख दिया, देखो यहां पे टी बटे में है तो बटे में लिख दिया, डी एक्स बटा एक्स क्या आया डी टी, ये देखो डी टी लिख दिया, सबका काम हो गया, इसको मैं यहां पे हरा कलर लो, इसको मैं क्या किया, ये है ना मेरा ये वाला, देखो इसका काम हो गया, इसको मैं क्या लिया, इसको मैं लिया टी, तो इसका काम तो हो गया टी, इसका काम हो गया, इसको मैं टी ले लिया, ये हो गया, अब क्या बच गया, डी एक्स बटा एक्स, ठीक है, ये 1 इंटू डी एक्स डी एक्स होता है, तो ये जो है डी एक्स बटा एक्स यार, ये dx बटा x क्या है, dt, सबको ले लिया, आप कई लोग बोलेंगे सर 1 को तो नहीं लिया, अरे 1 का गुना dx से करूंगा तो dx ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया, तो 1 by t का क्या होगा यार, 1 by t का क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं 1 by t है ना, 1 by t का क्या होता है यार, log base e mod of t plus c, अब आपका आंसर आ गया, ये मॉड में कंफ्यूज नहीं होना ना, बार बार बोल रहा हूँ, टी क्या लिया था मैं, ये 1 plus log base e x प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया, ये आप लोग का होमवर्क बता देता हूँ, इसमें माना करके लिखना, माना एक्स स्क्वायर को क्या मानना, टी मानना, चलो यही कर देता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को होमवर्क नहीं देता, मिटा देता हूँ, इसमें एक कंसेप्ट बताना है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो टू एक्स आएगा, ये देखो टू एक्स, पर यहां पे तो टू नहीं है चलेगा, कांस्टेंट नहीं है तो चलेगा, सर क्या बोल रहे हो, अब भी बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर को मैं टी माना तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स डी एक्स ना, यहां पे क्योंकि टू, यहां पे टू होता तो टू एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आ जाती, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक्स डी एक्स है, तो क्या करना, अभी बता रहा हूं, यहां पे देखो ये आई, इसका काम तो हो गया e की पावर, ये क्या है e की पावर, एक्स स्क्वायर को मैं टी माना तो ये हो गया ये, अब ये एक्स वाले को मेरे को टी में बदलना है, तो एक्स डी एक्स है, यहां पे देखो एक्स डी एक्स आ रहा है, ये बट ये जो टू है ना गुणा में, उसको उधर भेज देता हूं, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, तो x dx की वैल्यू आ गई, x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt by 2, ये dt by 2, तो कभी कांस्टेंट आएगा तो डरना मत, एक बार और ध्यान पूर्वक देखना, तो 1 by 2 को मैं बाहर कर दूं, 1 by 2 को मैं बाहर कर दिया, dt e की पावर t, अब बटे में है e की पावर t, तो इसको क्या करूं, इसको मैं ऊपर ले आता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, e की पावर माइनस t dt, ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, 1 बाई टी, ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी का ध्यान से देखो, ई की पावर टी प्लस सी, पर यहां पर तो माइनस है, यहां पे माइनस है, ठीक है ना, माइनस टी को मैं टी ले लिया, तो ई की पावर टी का क्या हो जाएगा, ई की पावर टी, लेकिन मैं उसको लूंगा जिसको मैं माना हूं, तो मैं किसको टी माना हूं, माइनस टी को, तो माइनस टी, फिर बटे क्या करते हैं, उधारी चुकाऊंगा, तो मैं क्या बोला था, एक्स का गुणांक ले लेना, लेकिन यहाँ टी का गुणांक है, तो टी का गुणांक क्या है, माइनस एक है, कुछ नहीं है तो माइनस एक है, ये माइनस, यहाँ पे एक का गुणा तो होगा माइनस एक प्लस सी, ध्यान से देखना, तो ये क्या आया, आई इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चले जाएगा, माइनस 1 बाई टी ई की पावर माइनस टी प्लस सी, यहाँ पे किसी को कुछ लफड़ा है क्या, अरे भाई ई की पावर माइनस टी का नहीं होता, ई की पावर टी का होता है, देखो ई की पावर टी डी टी का होता है ई टी प्लस सी, ठीक है, हम लोग ई की पावर एक्स के बारे में बात कर रहे थे, सेम फॉर्मूला होता है, एक्स की जगह टी हो गया, तो यहाँ पे तो ई की पावर माइनस टी है, तो मैं क्या किया, इस माइनस टी को टी मान लिया, इस माइनस टी को मैं टी मान लिया, इस माइनस टी को टी माना,
तो क्या हो गया, इसको मैं टी मान लिया, तो क्या हो गया, इसको मैं टी मान लिया, तो ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी। लेकिन मैं यहाँ पे टी नहीं लिखूंगा, जिसको टी माना हूं उसको लिखूंगा। तो मैं टी माना किसको हूं, माइनस टी को माना हूं, तो माइनस टी बटे। अब उधारी चुकाना है, उधारी चुकाना है, तो जिसको भी हम लोग माने हैं उसमें टी का जो गुणांक है वो लिख दो। टी का गुणांक क्या था, माइनस एक, माइनस एक। यहाँ पे अगर ऐसा है तो गुणांक क्या है, माइनस एक है, माइनस एक है गुणांक, माइनस एक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस एक को बटे में डाल दिया, ठीक है। या तो आप जिसको टी माने उसको डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हो। अब ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क, इसमें हिंट दे दे रहा हूँ। ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स को आप लोग टी मानो और करो। अगर आप लोग से नहीं बना तो मैं इस पर वीडियो एक और बना दूंगा। तो ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक खत्म, ये वाला टॉपिक खत्म। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।